सिचुएशन है वो डेफिनेटली पहली बार आई है, बिकॉज अनामी अधिराज के साथ या फिर दोनों भी एक दूसरे के साथ इतने भी ऑकवर्ड कभी नहीं हुए हैं. सो आते ऐसा एक लॉन्ग लुक एक्सचेंज था एंड दोनों को पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बोले, बट देन उसका रीज़न क्या है ये तो आई थिंक अधिराज बेहतर तरीके से बता पाएगा. जो कल्प्रिट है वही बता पाएगा. पहली बार ऐसा हुआ कि अधिराज ने अपने मन की बातें अनामी के सामने रखी और सिर्फ रिएक्शन का उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है. वो काफ़ी टाइम हो गया, एक दो दिन हो गए बात बोले हुए, तो घर पे भी उसको नींद नहीं आती है और एक दो दिन काट लिया उसने कैसे ना कैसे. तो अनामी ने उसको कॉल किया कि लेट्स मीट, तो मेरी भी उम्मीद जागी कि यार बुलाया है दिल वाले कैफे पे तो कुछ दिल की बात ही होगी वहाँ पे जाके. ऑफ कोर्स कमेंट्स तो आएंगे. सबसे पहले तो ऐसी जटाधारी है, ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की ज़्यादा नहीं आपने देखी होगी. अनामी इज़ द ओनली वन विद एज लॉन्ग जटाज एंड ऐसे अटायर में, तो ऑफ कोर्स लोग तो होते ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, कमेंट मारने के लिए. अनामी इग्नोर कर लिया, अधिराज भी इग्नोर करता है, बट आफ्टर अ पॉइंट जब वो हम दोनों पे कमेंट करना शुरू कर देते तो वी काइंड ऑफ हैंडल द सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं वो फिसल जाती है. हाँ, अनामी को बुरा लगता है कि हर वक्त उसकी पर्सनैलिटी को लेकर इतनी कॉमेंट्री क्यों की जाती है, बट देन लेट्स सी. अनामी को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि वो अधिराज से प्यार करती भी है या नहीं, बिकॉज अधिराज हैज़ ऑलवेज बिन हर बडी, मतलब गो टू पर्सन. वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहा है, एंड जब सामने से बेस्ट फ्रेंड आता है एंड वो बोलता है कि लिसन आई हैव गॉट फीलिंग्स फॉर यू एंड यू नो मुझे लग रहा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो अनामी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो अधिराज को फेस कैसे करे, उसके बेस्ट फ्रेंड को फेस कैसे करे. इसलिए वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है. अब वो प्यार करती है नहीं करती है, क्या रिएक्ट करेगी कैसे रिएक्ट नहीं करेगी, ये तो शायद आपको शो में देखेंगे. वो सिचुएशन है जब जय और वीरू में से वीरू पसंदी बन गए. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमेशा से रिश्तों के चक्कर में आपने ड्रामा माँ बेटी के बीच में उलझने देखी हुई हैं, लेकिन इस बार आपको आई वुडंट से रोमांस, बट या जब दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बात बिगड़ती है या संभलती है या क्या होता है,